Hi guys, तो welcome back to our channel. और आज आई है एक नई वीडियो, बट ये वीडियो बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये वीडियो हमने शूट करी थी 2 साल पहले. तो अंकित हमेशा से ब्लॉगिंग करना चाहता था. मैं कभी इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी पहले. तो अंकित और मैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स हम लोग थाईलैंड गए थे, और थाईलैंड में अंकित ने पूरी व्लॉग्स शूट करे थे और सब कुछ बनाया था. बट फिर अंकित को स्ट्रोक आ गया तो अंकित व्लॉग्स को एडिट नहीं कर पाया. तो क्योंकि आवाज़ भी नहीं है, थोड़ी सी मोचल हो जाती हूँ. बट अंकित की आवाज़ चली गई और सब कुछ जो भी हुआ स्ट्रोक वगैरह, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई. बट अंकित बोल रहा है उसको फिर से वो ब्लॉग्स बनाने हैं और डालने हैं. तो इसीलिए हाँ, वैसे काफ़ी वीडियोस डिलीट हो गई थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बहुत सारी हैं. तो बहुत सारी रिकवर करके आईक्लाउड से डाउनलोड करके अंकित फिर से वो सारी वीडियोस बनाएगा. और वो पहली बार इन वीडियोस में अंकित बोल भी रहा होगा. तो पहली बार आप मेरी आवाज़ कम सुनोगे और आप अंकित की आवाज़ ज़्यादा सुनोगे. और बस आई जस्ट होप यू लाइक देम. सेंटी ना होकर मैं आपको ले चलती हूँ वीडियो पे. तो गाइज़ ये है गुड़गांव. तो हमारी फ़्लाइट थी रात की, तो हम लोग बस रात को ही निकले थे टैक्सी से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. और गुड़गांव कितना सुंदर लगता है ना रात को, काफ़ी ग्लैमरस. और ये हमने टर्मिनल 3 के लिए एंट्री ले ली है. और ये अंकित उतर रहा है टैक्सी से पे करके, और शेरा वाली माता के जयकारे के साथ हम बैंकॉक के लिए उड़ गए. फिर 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग लैंड कर गए बैंकॉक के स्वर्ण भूमि. और ये हम एंट्री ले रहे हैं कस्टम्स के लिए. वेलकम. और ये है गाइस हमारा चीता अंकित, हमारे गुड लुकिंग लड़के जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. रात से कुछ खाया नहीं था तो हमने सोचा एक सैलड पकड़ लेते हैं. फिर गाइस हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फुकेत के लिए, तो फुकेत के लिए हमें डोमेस्टिक टर्मिनल पे जाना था. तो बस अब अभी वहीं जा रहे हैं. अबे लड़की भागते हुए जल्दी जल्दी पैकिंग करते हुए अपना काम करने हैं. ठीक है, जल्दी होगी, आराम से चलने की यार. तो कोई भी नहीं गया. लाइट बोर्ड हो रही है और किस लड़के का हमेशा से नाटक है, एंड में जाता है और कई बार लेट करा के हम फ्लाइट मिस. इस लड़की का हमेशा से ये नाटक है कि चाहे फ्लाइट में उन्होंने बोल दिया ना 3 घंटे पहले आना है, तो 3 घंटे पहले पहुँचना. अपोजिट्स अट्रैक्ट. ये जिसकी फ्लाइट मिस नहीं होती ना, उसे इसलिए होती है क्योंकि मैं टाइम पे आती हूँ. ये तो है थोड़ी सी बात. वैसे भी तो लेकिन अभी तो सब यार खड़े पड़े हैं. देखो तुझे अभी तो वेटिंग. अगर इसको मैं 1 घंटे पहले पैनिक में नहीं डालती ना, तो ये मिस कराऊंगी फ्लाइट हमेशा का. अभी तो बहुत देर है, चलो बाकी मैं जब तक तो मैं भी अपना पैकिंग करता हूँ. और ये इसमें पूरे पैनिक मोड में मैं फ्लाइट बोर्ड होने से पहले टॉयलेट तो जाने चाहिए ना, तो मैं हो गया. और यस्मिन हमेशा पैनिक मोड में ही रहती है. क्यों यस्मिन अभी पैनिक हो? पैनिक मोड में बोर्डिंग हो रही है. अरे तो अभी तो 1 घंटा है यार, 8:30 की फ़्लाइट है, अभी तो 7:30 7:35 ही होगा. चलो अपना बोर्डिंग पास मैं नहीं दे रही अभी तो. अभी तो मतलब 10 पैसेंजर पहली बस भी नहीं हुई है. और ये हम उड़ गए फुकेत के लिए. बस कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट फुकेत लैंड कर गई. और वहाँ पे ये पैम्फलेट्स थे जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल रही थी कि फुकेत में आप क्या क्या कर सकते हो. सच में बहुत वाइब्रेंट सी जगह है यार. और तो हमने भी 1-2 पैम्फलेट्स उठा लिए क्योंकि काफ़ी मैप्स वगैरह सब कुछ थे वहाँ पर. और हमने डिसाइड किया था कि हम स्कूटी से पूरा का पूरा फुकेत घूमेंगे.
फिर गाइज एयरपोर्ट से हमने पकड़ी शेयर्ड टैक्सी. शेयर्ड टैक्सी सबसे सस्ती रहती है तो इसलिए हमने वही ली और बस उसके बाद हम चल दिए डेस्टिनेशन. बहुत ही लंबा ट्रैवल डे है. हम दिल्ली से पहले बैंकॉक पहुँचे, बैंकॉक से फुकेट और अब फुकेट से हमने बस ली है पटोंग के लिए. फिर पटोंग से हमने टुक टुक ली अपने होटल के लिए. तो बहुत लंबा ट्रैवल डे है. ऐसा लगता है कि आप सब यूएस जा रहे हो तो बहुत लंबी फ्लाइट पड़ेगी आपको, बट 4 घंटे की फ्लाइट भी अब ऑलमोस्ट 12 घंटे हो जाए. होटल जाते जाते हम इतने थक चुके थे कि हमने उसके बाद सीधा रात को ही व्लॉगिंग स्टार्ट करी. और ये गाइस है फुकेट की बहुत फेमस बांग्ला स्ट्रीट. और फिर गाइस स्ट्रीट भी ख़त्म हो गई और हमको भूख भी बहुत लगी थी तो हमने सोचा चलो पैनकेक खाएंगे और साथ में मैंगो स्टिकी राइस भी खाएंगे. तो बस हमने वो सभी खाया पिया सो गए. तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.